अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, महारत पॉइंट की तरफ से मैं हूं उमर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ एक्सेल रिबन्स। एक्सेल 2007 और इसके बाद 2010, 13 और 16 में माइक्रोसॉफ्ट हैज ड्रामेटिकली चेंज द यूज़र इंटरफेस ऑफ एक्सेल। ट्रेडिशनल मेन्यूज़ और टूल बार्स को रिबन्स के साथ रिप्लेस किया गया है जो बिलो द टैब्स देखे जा सकते हैं। एक्सेल के ज़्यादातर यूज़र्स रिबन को इस्तेमाल करना ईजी समझते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मेन्यू सिस्टम। इन रिबन्स को अपनी आसानी के लिए कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है जो हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। दोस्तों, अब हम हर टैब को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होम टैब। मोस्ट ऑफ यूज़र्स अपना ज़्यादातर वक्त होम टैब को यूज़ करते हैं। इस टैब में बेसिक क्लिपबोर्ड कमांड, फॉर्मेटिंग्स कमांड, स्टाइल कमांड, कमांड टू इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम्स अवेलेबल होती हैं। इसके बाद है इंसर्ट। जब भी किसी चीज़ को एक्सेल शीट में इंसर्ट करना हो तो इस टैब को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर टेबल इंसर्ट करना हो, पिक्चर इंसर्ट करनी हो, एक्सेल शेप्स में से किसी भी शेप को इंसर्ट करना हो, स्मार्ट आर्ट को यूज़ करना हो, ग्राफ को इंसर्ट करना हो, स्लाइसर्स, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना हो तो इस टैब को यूज़ किया जाता है। इसके बाद है पेज लेआउट। इस टैब में जो कमांड्स अवेलेबल हैं वो शीट्स की अपीयरेंस को अफेक्ट या चेंज करती हैं, इंक्लूडिंग सम सेटिंग दैट डील विद प्रिंटिंग, जैसे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया एंड सो ऑन। इसके बाद है फार्मूला। इस टैब को कोई भी फार्मूला इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ऑटो सम, और ये मुख्तलिफ फार्मूलाज की टाइप्स हैं आगे जिसको हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगली टैब है डाटा। एक्सेल डाटा रिलेटेड कमांड इस टैब्स में मौजूद होती हैं, जैसे डाटा वैलिडेशन, टेक्स्ट टू कॉलम्स, सॉर्ट, फिल्टर्स एंड सो ऑन। इससे अगली टैब है रिव्यू। इस टैब में स्पेलिंग चेक, ट्रांसलेट, प्रोटेक्ट शीट जैसी कमांड्स अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, अगला टैब है व्यू। इस टैब में ऐसी कमांड्स अवेलेबल होती हैं विच कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ अ शीट इज़ व्यूड, जैसे नॉर्मल। अगर आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो शीट का प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। अगर पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो अगेन प्रीव्यू शीट का चेंज हो गया। तो अगर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो शीट वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। अगर ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे, अनचेक करेंगे इनको, तो सारी लाइंस जो शो हो रही थी, विजिबल थी, वो डिसअपियर हो जाएंगी। अगर ग्रिड लाइंस पे अगेन चेक लगाएंगे तो सारी लाइंस अगेन विजिबल हो जाएंगी। दोस्तों, टैब लिस्ट में एक और बटन है, फाइल का बटन। ऑल्दो फाइल का बटन ने टैब के साथ स्पेस को शेयर किया हुआ है बट इट्स नॉट एक्चुअली अ टैब। अगर फाइल के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट स्क्रीन को डिस्प्ले करता है जिसको बैकस्टेज व्यू कहा जा सकता है, जहां से हम बहुत से एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बैकस्टेज व्यू को एग्जिट करना चाहते हैं तो अपर लेफ्ट कॉर्नर पर बैक एरो पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मेन शीट में मूव हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये रिबन्स में जो कमांड्स नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली वेरी करती हैं एक्सेल शीट की विड्थ पर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम शीट के साइज़ को चेंज करते हैं। जैसे जैसे शीट का साइज़ एक्सपेंड होगा तो ये देखें डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और आइकॉन्स भी नज़र आ रहे हैं हर कमांड के। जैसे जैसे हम एक्सेल शीट को नैरो करते जाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और सिर्फ आइकॉन्स नज़र आएंगे। ये देखें, अब हम शीट को और नैरो करते हैं तो सिर्फ आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। बट अगर आप किसी भी आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो सब ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। अगर आप अलाइनमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो अलाइनमेंट की जितने भी कमांड्स थी सारी अवेलेबल हैं। फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट की जितनी भी कमांड्स थी सब अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हम इस शीट को एक्सपेंड करते जाएंगे दोबारा हमें आइकॉन्स और टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो टॉपिक बताया गया वो आपको समझ आ गया होगा। तो एक्सेल में महारत हासिल करने के लिए, एक्सेल को सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखते रहें। थैंक यू।